घर में मेहमान आए और मेहमान में कौन आया? वो खासम खास मेहमान, खासम खास कौन, क्या बोलते हैं उसको? ऐ अरे मेहमानों में जो सबसे खास होता है, मेहमान भी कई तरह के होते हैं ना, दूर का, पास का, ऊपर का, नीचे का, आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का, पर एक मेहमान होता है सबसे ज़्यादा इज्जत जिसको दी जाती है, क्या? दामाद। एक दिन मैंने सोचा दामाद को इतनी इज्जत क्यों दी जाती है? जितनी इज्जत दामाद को मिलती है ना, इतनी इज्जत और किसी को नहीं मिलती है। मैंने विचार किया दामाद को इतनी इज्जत क्यों दी जाती है, बाद में मुझे समझ में आया कोई तुम्हारी मुसीबत को ले जाए। तो उसको इज्जत तो मिलेगी ना। दामाद आया, दामाद आया, दामाद आया, सावधान, खबरदार, होशियार, दामाद जी पधार रहे हैं। दामाद आया, आपने बड़ी खातिरदारी की, स्वागत सत्कार किया, भोजन बनाया, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट मिष्ठान पकवान बनाए, और भोजन में वो बनाए, क्या बोलते, गोल गोल, गोल गोल, अरे तुमको गुलाब जामुन के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? दामाद के लिए गोल गोल रसगुल्ले बनाए, आपने रसगुल्ला परोसा, दामाद ने बड़े प्रेम से खाया, आपने दोबारा फिर परोसा, दामाद ने बड़े प्रेम से रसगुल्ला खाया, आपने तीसरी बार फिर परोसा, दामाद ने बड़े प्रेम से रसगुल्ला खाया, आपने चौथी बार फिर परोसा, दामाद ने बड़े प्रेम से रसगुल्ला खाया, आपने पांचवी बार फिर परोसा, दामाद ने रसगुल्ला लेने से इनकार कर दिया। अब तुम बोलना खाले खाले, ऐसा तो तेरे बाप ने भी नहीं खिलाया होगा। अब क्या होगा, बोलो बोलो, अब क्या खाएगा, खाएगा दामाद, खाएगा क्या? नहीं, जिस रसगुल्ले में अब तक रस टपक रहा था, आनंद आ रहा था, अब वो रसगुल्ला जार का काम करने लगा। क्यों? आपने एक कड़वा शब्द बोल दिया। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? खाले खाले, ऐसा तो धीरे कड़वा मत बोलिए, कम बोलिए, कम का बोलिए, मीठा बोलिए, कानों को अच्छा लगे वैसा बोलिए, सत्य भी हो, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य भी बोलो लेकिन प्रिय बोलो, मन को ठंडक दे वैसा बोलिए, वरना मौन रहिए, चुप रहिए।